एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। तो आइए मैं आपको जो है ना इस व्लॉग में मिलवाती हूँ विद समवन स्पेशल। तो ये है मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी बड़ी ननन राखी दीदी, जो कि रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आई हुई है। राखी दीदी और उनकी बड़ी बेटी साक्षी आए हैं हमारे यहाँ पे, और टू मंथ के बाद जो है ना दीदी आई है इस बार। तो बस बच्चे जो है ना बड़े एक्साइटेड है बुआ से मिलने के लिए। हस्बैंड गए थे उन्हें रेलवे स्टेशन लेने के लिए, और इस बार जो ना उनकी ट्रेन बहुत 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 ज़्यादा लेट हो गई। अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock उन्हें हैदराबाद पहुंचना था, और देखिए आप रात के 10:30 बज गए हैं। सो बहुत ज़्यादा लॉन्ग जर्नी, बहुत ज़्यादा जो है हैक्टिक ट्रैवल करके आए हैं दीदी लोग। डिनर जो है मैंने प्रिपेयर करके रखा हुआ था, बच्चों ने जो ना डिनर खा भी लिया। आशीष ने खाना नहीं खाया था, ब्रह्मा वर्षा और मैंने खा लिया था, बिकॉज आप जानते ही है कि जो है ना हम लोग अर्ली बर्ड्स हैं, थोड़ा सा जल्दी जो है ना खा लेते हैं लंच एंड ऑल डिनर वगैरह। तो बस अब जो है ना दीदी लोगों के लिए मैं उनका डिनर गर्म कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो ना दाल फ्राई बनाई थी, और पनीर बटर मसाला बनाया था, आम काट दिए, और बस पापड़ सेक रही हूँ और गर्मा गर्म रोटियाँ बना लूँगी। तो बस ये जो है ना सिंपल सा डिनर रखा था मैंने, ज़्यादा कुछ तो नहीं किया था, बिकॉज ट्रैवल से आए थे तो यू नो थके मारे, और फिर ज़्यादा नाइट के टाइम पे फिर चलता भी नहीं है। तो इसलिए मैंने जो ना सिंपल सी एक सब्जी, दाल, पापड़ और फ्रूट में आम रखा था। बस यहाँ पे जो है ना दीदी, हस्बैंड, बच्चे सब जो है ना अपना डिनर ले रहे थे, और मैं जो है ना इन्हें डिनर सर्व कर रही थी साइड बाय साइड। एंड देन उसके बाद बस थोड़ा जो है ना दीदी ने, हस्बैंड ने, इन्होंने थोड़ा सा वॉक किया, एंड देन वॉक करके जो है ना सब सो गए। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने जो है ना व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। तो बस जो है ना थोड़ा लेट उठे थे हम सभी, बिकॉज संडे था, सैटरडे नाइट को दीदी आई थी। तो संडे था, तो संडे एज यूजुअल हम जो ना आराम से उठते हैं। ये दूध का जो है ना मैं कंटेनर लेकर आई हूँ, तो इसमें ही हम पैकेट लेते हैं, बिकॉज बिल्ली है हमारे बालकनी में, हमारे कॉरिडोर में, तो वो दूध के पैकेट्स कट कर देती है। तो स्टील का ये जो कंटेनर है ना हम मेन गेट में लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो ना मैंने चाय चढ़ाई है और आलू बॉयल करने के लिए रखे हैं। ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊँगी आलू पराठे और पोहे, दही पराठा और पोहा का जो ना प्रोग्राम था। मैंने रात को ही दीदी से पूछा था कि ब्रेकफास्ट में आप क्या लेंगे, तो दीदी ने कहा कि ब्रेकफास्ट कुछ सिंपल सा करना, तो मैंने जो है ना आलू के पराठे बनाए हैं। उसके लिए मैंने जो है ना आलू चढ़ा दिए उबलने, और ये हमारा चाय टी टाइम स्नैक्स। तो बस यहाँ पर जो ना हस्बैंड, मैं, दीदी, हम तीनों है ना बैठ के थोड़े से गपशप कर रहे थे, और हस्बैंड और दीदी चाय का आनंद ले रहे थे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मॉर्निंग को मैं टी अवॉइड कर रही हूँ, इवनिंग को ही मैं टी लेती हूँ। रात को जो ना डिनर के बाद थोड़ी लेट हो गई थी, तो हम लोगों जो ना अच्छे से प्रॉपरली गप्पे शप्पे नहीं मारे थे, तो अभी बस फ्री टाइम था तो बैठे थे और बातें कर रहे थे दीदी और मैं, और तीनों बच्चे भी उठ चुके हैं। तो बस अब जो है ना मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लेती हूँ, सो दैट टाइम पर जो है ना हमारा ब्रेकफास्ट बन जाए। तो पोहे बना के मैंने जो है ना डाइनिंग टेबल पे रख दिए, सो दैट सबका ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो जाए। और यहाँ पे गर्मा गर्म जो है ना मैं आलू के पराठे सेकते जा रही थी सबके लिए। तो बस सब जो है ना डाइनिंग टेबल पे बैठ चुके हैं, हस्बैंड, बच्चे, दीदी, तो सब खाएंगे अब गर्मा गर्म आलू के पराठे, दही और पोहा। और ये है हमारी नीज साक्षी, जो कि सीए फाइनल में है, अभी स्टडी कर रही है, मई में उसके फाइनल एग्ज़ाम है। और बस बच्चे भी जो है ना बुआ के साथ बैठ के और ब्रेकफास्ट का आनंद ले रहे हैं। और काफ़ी सारे मेरे रिलेटिव्स कहते हैं कि मेरी दीदी जो है, ये राखी दीदी, इनका फेस हस्बैंड से काफ़ी मिलता है। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको लगता है कि दोनों भाई बहन का फेस मिलता है मुझे, क्योंकि उतना नहीं समझता है। बट काफ़ी लोग कहते हैं कि आपस में
दीदी का और हस्बैंड का फेस मिलता है। काफी लोग ये भी कहते हैं कि वर्षा जो है ना, वर्षा का भी फेस दीदी से मिलता है। तो प्लीज मुझे जो है ना कमेंट करिएगा कि वर्षा का फेस ज़्यादा दीदी से मिलता है या फिर हस्बैंड का या दोनों का, क्योंकि मुझे उतना नहीं समझता, बट मेरे जो रिलेटिव्स हैं ना, मेरे स्पेशली मायके साइड में काफ़ी लोग बोलते हैं कि हस्बैंड और दीदी बिल्कुल सेम दिखते हैं। तो एनीवेज, ब्रेकफास्ट के बाद मैंने जो है ना शॉवर एंड ऑल ले लिया, और क्योंकि काफ़ी गर्मियाँ हैं यहाँ पे, तो मैंने बनाया है ठंडा ठंडा गुलाब वाला शरबत जो बनाया था ना, मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है। तो मैं दीदी को जो ना वही टेस्ट करा रही थी यहाँ पे, और मैंने इसे जो ना दूध में बनाया है, तो सबको जो ना बहुत पसंद आया। तो दीदी ने भी जो ना शॉवर ले लिया और किचन में दीदी आई थी, तो हम जो है ना यहाँ पे लंच बनाते बनाते दोनों गप्पे मार रहे थे और बस यहाँ वहाँ की किस्से, यू नो, आप काफ़ी टाइम के बाद मिलो तो इतनी सारी बातें होती है ना कि ख़त्म नहीं होती है, इतने सारे किस्से होते हैं ना दोनों साइड से, मेरे साइड से बहुत सारे किस्से जो कि मैं दीदी से शेयर कर रही थी, दीदी के साइड से बहुत सारे किस्से जो कि दीदी बता रही थी, तो बस वही सब बातें चल रही थी। और आज मैं बनाऊँगी लंच में पालक पनीर, और वो भी बिल्कुल अलग स्टाइल में। आपके साथ लास्ट टाइम शेयर की थी मैंने पालक पनीर की रेसिपी, वो जो मैंने ग्रेवी बनाई थी उससे, और आज आपको एक अलग ही नए अंदाज में मैं पालक पनीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप देखिएगा जरूर और बताइएगा कि कैसी लगी। तो पालक पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पैन में जो है ना सरसों का तेल लिया है, लगभग 2 से 2.5 चम्मच के करीब मैंने सरसों का तेल लिया है। और जैसे ही तेल तेज़ गर्म हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले। आप चाहे तो नॉर्मल तेल में बना सकते हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच शाहजीरा, 4 लौंग, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 3-4 छोटी इलायची और 1 तेज़पत्ता लिया है, और 2-3 मैंने काली मिर्च ली है। इन्हें जो है ना हल्का सा रोस्ट करके मैंने यहाँ पे 5 कली लहसुन की और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसे मैंने मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिया है। और अदरक लहसुन को भी जो है ना हम अच्छे से यहाँ पे थोड़ा सा 30 सेकेंड फ्राई कर लेंगे, एंड देन उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। 2 प्याज लिए मैंने, जिसे रफली कट कर लिया है, और प्याज को जो है ना हम अच्छे से यहाँ पे थोड़ा शैलो फ्राई कर लेंगे, हल्का सुनहरा होते तक हमें प्याज को भूनना है। और जैसे ही प्याज थोड़े से ट्रांसलेंट हो जाएंगे, हम इसमें ऐड करेंगे काजू। तो मैंने यहाँ पे 6-8 काजू लिए हैं, जिन्हें मैंने 2 हाफ में कट कर लिया, और काजू से ना काफी क्रीमी सा टेक्सचर आता है पालक पनीर में, और इन्हें भी जो ना हम थोड़ा सा भून लेंगे ताकि हल्का सुनहरा जो है ना काजुओं में भी एक कोटिंग सी आ जाए। और पहले हम इसलिए नहीं डालते क्योंकि काजू बहुत ज़्यादा लाल हो जाते हैं, तो प्याज जो है ना आपके आधे डन हो जाए उसके बाद ही आप काजू डाल के काजुओं को भूनिए, उसे जो है ना आपके काजू कभी भी जलेंगे नहीं। और जैसे ही आप देखिए इस तरीके से थोड़े से प्याज लाल हो जाएंगे, उसके बाद मैंने यहाँ पे जो ना टमाटर ऐड कर दिए। मैंने छोटे से इसके लगभग 4 टमाटर लिए हैं रफली कट किए हुए, आप चाहे तो टमाटर थोड़े कम भी कर सकते हैं। और अब मैंने इसमें जो है ना डाल दिया नमक स्वाद अनुसार, और इसे जो है ना मिक्स करके अच्छे से हम इसे भून लेंगे थोड़ा टमाटरों को। पैन को फिलहाल मैं ढक नहीं रही हूँ, ओपन पैन पे ही मैं टमाटरों को भून लूँगी, क्योंकि ढकने से टमाटर जो है ना अपना पानी रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमें जो है ना इसे फिलहाल थोड़ा ड्राई रखना है, थोड़ा अच्छे से इसे भून लेना है। जैसे ही प्याज टमाटर अच्छे से थोड़ा भून जाएगा ना, हम इसी स्टेज में इसमें डाल देंगे पालक। तो पालक को भी जो ना आपको प्याज टमाटर के साथ अच्छे से यहाँ पे पका लेना है, और उसके बाद डायरेक्टली हम इसकी जो है ना पेस्ट बनाएंगे। तो है ना फ्रेंड्स कुछ अलग तरीके की पालक प्योरी। जनरली हम पालक को उबाल के अलग से पेस्ट बना के डालते हैं, बट इस प्रोसेस में जो ना आपको प्याज टमाटर के साथ ही पालक को पकाना है, और आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप अच्छे से जो ना इसे मैंने 5-6 मिनट थोड़ा सा स्लो फ्लेम पर ढक के पका लिया, ताकि पालक टमाटर प्याज सब कुछ जो ना गल जाए, और सभी जो खड़े मसाले डाले उनका फ्लेवर अच्छे से पालक में फॉर्म हो जाए। तो मैंने अराउंड 5-6 मिनट इसे कुक कर लिया, एंड देन उसके बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ना पालक टमाटर सब कुछ अच्छे से कुक होकर सॉफ्ट हो चुका है। अब आप क्या कीजिए ना, गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और इसे अच्छे से ठंडा होने दीजिए। जैसे ही अच्छे से ठंडा होगा, उसके बाद हम इसे जो है ना पीस के और आगे की प्रोसेस में आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये ठंडा होने के लिए मैंने इसे रख दिया है। साइमल्टेनियसली मैंने जो ना यहाँ पे मिक्स वेजिटेबल पुलाव बनाया है, प्लेन वाइट पुलाव जो हम खाते हैं वो वाला, तो बस उसी में मैंने जो ना सब्जियाँ वगैरह भून रही थी यहाँ पे।
और यहाँ पे जो है ना मैं लंच के लिए पुलाव बना रही थी, मिक्स वेजिटेबल पुलाव, और हस्बैंड जो है ना अभी जस्ट किचन में आए, बच्चों के लिए जो ना सैलेड कट कर रहे थे, कच्चा आम आया हुआ था घर पे, और बच्चों को जो है ना कच्चा आम बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब तक मैंने जो ना वेजिटेबल पुलाव बनाया, ये जो हमने पालक पनीर का बेस तैयार करके रखा था वो भी ठंडा हो गया। तो अब हम ना इसे क्या करेंगे, मिक्सर ग्राइंडर के जार में इस मिक्सचर को जो मैंने बनाया ना, प्याज टमाटर और पालक का, इसे भी हम जो ना इसका फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। और इसे जो ना आप ठंडा करने के बाद ही कीजिए, अदरवाइज़ जो ना मिक्सर ग्राइंडर के जार में ना अक्सर छींटे आने लगते हैं। और इसका जो है ना फाइन सा पेस्ट तैयार करने के बाद इसे जो है ना अब हम इसमें थोड़ा बहुत कुछ कुछ और ऐड करेंगे। तो पैन में मैंने एक छोटा सा चम्मच तेल का लिया है और 4 टेबल स्पून के करीब मैंने लिया है अमूल बटर। तेल ज़रूर यूज़ कीजिए बटर के साथ, अदरवाइज़ जो ना बटर जलने लगता है। और अब इसमें मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर डाला है, 2 टीस्पून मैंने इसमें धनिया का पाउडर डाला है और 1/4 टीस्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, लाल मिर्च का पाउडर। आप मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस 30 सेकेंड मैंने इन मसालों को बटर के साथ जो है ना थोड़ा सा भून लिया, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये पेस्ट जो कि हमने तैयार की है, और इसे जो है ना आप अच्छे से इसमें मिक्स करके इसे थोड़ा सा भून लीजिए। इस समय जो है ना ग्रेवी से काफ़ी छींटे आने लगते हैं, तो आप गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो पे करिए और अच्छे से मसालों को मिक्स कर दीजिए। इसमें ना ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, धनिया और जो है ना आपका थोड़ा सा लाल मिर्च। और अब मैंने इसमें ना घर की ताज़ा मलाई डाल दी 2 चम्मच भर के, और मलाई डाल के भी जो है ना हम इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और अब इस स्टेज में मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर, ज़्यादा नहीं, बस 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला ऐड किया है मैंने, और 1 चम्मच मैं इसमें जो है ना भुनी हुई कसूरी मेथी डाल रही हूँ क्रश करके। कसूरी मेथी का भी जो है ना बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है इसमें, तो जब भी आप पालक पनीर बनाया तो थोड़ी सी कसूरी मेथी ज़रूर से ऐड कीजिए। और कसूरी मेथी को ना हमेशा स्लो फ्लेम पर थोड़ा भून के ही डालिए, उससे जो है ना इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा जो है ना इन्हेंस हो जाता है। और 1/2 छोटा चम्मच मैं इसमें शक्कर डाल रही हूँ, क्योंकि पनीर की सब्जी में ना थोड़ी सी शक्कर आप ज़रूर ऐड कीजिए, उससे जो ना मसालों का अच्छा सा एक बैलेंस्ड फ्लेवर आता है। बस इन सभी चीज़ों को जो ना मैंने मिक्स करके और स्लो फ्लेम पे इसे ढक के थोड़ी देर मैं कुक कर लूँगी, ताकि सभी मसालों का जो है ना एक अच्छा सा फ्लेवर फॉर्म हो जाए। और बस थोड़ी देर के बाद हम जो है ना उसे चेक करेंगे, तब तक मैं जो है ना यहाँ पे थोड़े से पापड़ रोस्ट कर रही हूँ, हमारा ये सिंधी पापड़, बिकॉज सिंधी खा दो तो पापड़ है बिना अधूरा, मतलब सिंधी का जो खाना होता है ना, सिंधियों का पापड़ के बिना नहीं चलता है, ज़रूर से जो है ना साइड में पापड़ रखा जाता है। तो बस मैंने जो है ना ड्राई रोस्ट कर लिए गैस पे पापड़, और यहाँ पे मैंने जो है ना आम भी काट लिए, बिकॉज समर की सीज़न में तो खाने के साथ आम मस्ट होता है, तो बस आम काट रही थी मैं, और तब तक मैंने जो है ना सब्जी को स्लो पे छोड़ दिया था। और अब चेक कर लेते हैं सब्जी को, तो सब्जी भी जो है ना बहुत अच्छी खासी कुक हो चुकी है। इस स्टेज में मैंने इसमें जो है ना ये पनीर क्यूब्स जो काट के रखे थे वो डाल दिए, और पनीर को अच्छे से मिक्स करके, अगेन से ज़्यादा नहीं, बस 1 मिनट आप जो है ना स्लो फ्लेम पे इसे रख दीजिए, ताकि जो है ना पनीर में भी अच्छा मसालों का फ्लेवर फॉर्म हो जाए। तो साइड बाय साइड मैंने जो है ना हमारी लंच की चपातियाँ भी बना के रेडी कर ली, और हमारा जो पनीर है वो भी रेडी हो चुका है। तो गर्मा गर्म जो है ना रोटियाँ भी बन के तैयार हो चुकी है, और पनीर के 2 क्यूब्स जो है ना मैंने बचा के रखे थे ऊपर से गार्निशिंग के लिए। हमारी जो पालक पनीर की सब्जी है वो भी तैयार है, गर्मा गर्म पालक पनीर, इसके ऊपर जो है ना 2 छोटे से पनीर क्यूब्स मैंने रखे थे, वो इस तरीके से ग्रेट कर दिए। आप चाहे तो फ्रेश क्रीम से भी इसे जो है ना गार्निश कर सकते हैं, बट मैं मोस्टली जो है ना इसे हमेशा इस तरीके से पनीर को ग्रेट करके ही गार्निश करती हूँ। तो बस तैयार है हमारी आज की पालक पनीर। फ्रेंड्स कैसी लगी ये वाली रेसिपी ज़रूर से बताइएगा। मैंने आपके साथ पहले भी 2 डिफरेंट स्टाइल की पालक पनीर रेसिपी शेयर की है, बिना प्याज लहसुन वाली भी और वो जो ग्रेवी वाली थी वो भी। तो बस सर्व कर लेते हैं हमारा आज का लंच, पालक पनीर, बूंदी का रायता, मिक्स वेजिटेबल पुलाव, और बस रोटियां, पापड़, आम, सिंपल सा जो है टेस्टी टेस्टी वाला लंच मैंने तैयार किया था। तो बस अब जो है ना सबको लगी है जोरों की भूख, तो मैं सबसे पहले तो जो है ना शिव महाराज जी की भोग की थाली सर्व कर लूँगी, एंड देन उसके बाद जो है ना हम सब खाएंगे मिलके लंच।
तो बस फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और ये पालक पनीर की रेसिपी भी पसंद आई होगी। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा, और बताइएगा कि क्या आपको भी लगता है कि दीदी का फेस और हस्बैंड का फेस मिलता है, या दीदी और वर्षा का फेस मिलता है, या फिर तीनों का फेस जो है ना एक दूसरे को मैच करता है। तो आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।